बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 5 इंग्लिश पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप वर्जन नंबर 1। फाइनल टर्म जो पैक होने जा रहा है ये उसका वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, ग्रेड 5 का इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो आपको पहले ही इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है। इस दफ़ा हम सब्जेक्टिव टाइप अलहदा और ऑब्जेक्टिव टाइप को अलहदा अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल टर्म का पेपर है वो 100 मार्क्स के होने हैं। तो अगर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को एक साथ देखते हैं तो जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम 1, 2 और 3 तीन वर्जन हम देखेंगे जिसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। तो सब्जेक्टिव टाइप वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है, उस वीडियो के अंदर जो इसके सब्जेक्टिव पेपर है वो हमने बात की हुई है। तो हम देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स साइलेंट लेटर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब जस्ट आपके साथ आंसर शेयर करने जा रहे हैं। अगेन आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम वर्जन नंबर 1, 2 और 3 की हम जस्ट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इनकी जो सब्जेक्टिव है वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 3 का ऑप्शन नंबर बी और 4 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी और 7 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर बी और 11 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 12 का ऑप्शन नंबर बी और 13 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर बी, 15 का भी ऑप्शन नंबर बी, 16 और 17 चारों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 18 का ऑप्शन नंबर ए और 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 20 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है, 21 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास एक पैराग्राफ है, आपने इस पैराग्राफ को देखते हुए नेक्स्ट एमसीक्यूज को सिंपलीफाई करना है। 22 का ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर ए और 24 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है, ऐसे ही 25 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास वर्जन नंबर 2 है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्लास 5 इंग्लिश को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 2 का ऑप्शन नंबर बी और 3 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है, 4 का ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर सी और 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर सी और 10 का ऑप्शन नंबर सी और 11 का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है, 12 का भी ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर डी और 16 का भी ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है, 17 का ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर सी और 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 20 का ऑप्शन नंबर बी है तो 21 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है, इनके आंसर हम इसके अंदर से ढूंढ रहे हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी और 23 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट वर्जन नंबर जो 3 है वो आपके सामने मौजूद है, क्लास 5 इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप। इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, सब्जेक्टिव के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 2 का ऑप्शन नंबर बी और 3 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है, 4 का भी ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर डी और 9 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। ये मिस प्रिंटिंग हुई है जिसकी वजह से हमारे पास ये आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप इनके आंसर देखोगे तो यही ऑप्शन इनका होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर ए और 12 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है, 13 का ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर बी और 15 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है, 16, 17 दोनों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 18 का ऑप्शन नंबर ए और 19 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है, 20 का ऑप्शन नंबर सी और 21 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ आ चुका हुआ है, जो नीचे क्वेश्चन है इनके आंसर आपने इस पैराग्राफ में से निकालने हैं, 22 का ऑप्शन नंबर डी और 23 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 24 का ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। तो ये थी मेरे पास वर्जन नंबर 1, 2 और 3 की ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।